नमस्कार जी, माइक रेडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज होम्योपैथिक के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। लास्ट वीक हम लोगों ने होम्योपैथिक के बारे में डिस्कस किया था मीता जी के साथ। आज हमारे साथ मीता ओझा जी फिर से हैं और हमें काफी कुछ जानकारी उन्होंने उस हफ्ते भी दिया था और इस हफ्ते भी। आज हम और नई जानकारी इकट्ठा करेंगे। और मीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महक्रे टीवी के ऊपर। जी थैंक यू सो मच पाजी, इन सारे लिसनर्स को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मीता जी, ओझा जी के बारे में मैं फिर से आपको बता दूं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस होम्योपैथ है जो कि इंडिया में 15 साल का तजुर्बा है इनको, और इनके साथ जो है पिनाक ओझा जी जो हैं वो भी जो है होम्योपैथिक कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, और दोनों मिलकर के जो है यहाँ काव्या होम्यो केयर के नाम से एक होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, जिस किसी को भी होम्योपैथिक से रिलेटेड आपको यदि कोई दवा चाहिए, कोई भी बीमारी आपको लग गई है जो कि आप सोच रहे हैं कि बहुत लंबी बीमारी है या शॉर्ट बीमारी है, किसी भी तरह की, क्योंकि होम्योपैथिक में हर तरह का इलाज है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता दूं, यूनिट नंबर 104 10 कॉटले बुलेवार्ड ब्रैम्पटन में ये है, और इनका फोन नंबर एक बार आप नोट कर लें, 6477602779। तो मीता जी, और आज आप हम लोगों को आज क्या बताने वाली हैं? आज होम्योपैथिक में किस रोग का क्या कारण है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगा और उसके बचा कैसे जा सकता है, हमें किस तरह से इन सब रोगों से मुकाबला करना चाहिए? जी, तो आज हम देखते हैं कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि यहाँ पे मोस्टली कॉमनली जो पाया जाता है वो है एक्जिमा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे एक्जिमा के बारे में। तो वैसे देखा जाए तो एक्जिमा इज अ क्रोनिक ईची स्किन कंडीशन, एंड एक्जिमा मीन्स बेसिकली इंफ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ स्किन। और खास करके आप देखेंगे कि यहाँ पे किड्स में, बच्चों में जो ये प्रॉब्लम है काफी पाई गई है, इवन बड़ों में भी कॉमन है। तो बेसिकली यहाँ का जो वेदर है, यहाँ के वेदर में जो एलर्जीज आर वेरी कॉमन, और कई बार जो है इसका रीजन अननोन है कि पता ही नहीं चलता है, खास करके न्यू बॉर्न बेबीज में। और आप देखेंगे कि जैसे ही बर्थ के बाद काफी बच्चों को एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या फिर अराउंड 6 मंथ्स एज में ये डेवलप होती है, या 4 to 5 ईयर्स की एज में जो है एक्जिमा डेवलप होता है। और यूजली इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो होती है चेहरे से, फेस पे जो है चिक्स पे इरप्शन शुरू हो जाते हैं। हाँ, उसमें जहाँ भी हो जाता है वहाँ पे काफी इची होती है, बहुत कुछ भी बॉडी के अंदर होती है, और वो कई बार मैंने देखा है बहुत ही ऐसा ड्राई एक्जिमा होता है जो कि तो बहुत लंबे समय तक लोग निजात ही नहीं पा पाते इस चीज से। जी बिल्कुल, इसमें होम्योपैथिक में रामबाण दवा जिसको हम लोग कहते हैं, रामबाण दवा के बारे में भी बात करेंगे। एंड तो देखते हैं पहले कुछ एक्जिमा के बारे में कि एक्जिमा क्या है। जी जी, तो वैसे देखा जाए तो बच्चों में, बड़ों में, जैसे मैंने कहा, सब में ये कंडीशन क्वाइट कॉमन, और चेहरे से, फेस से शुरू करके अराउंड चिक्स जो है यूजली ये शुरू होता है, या फिर फोरहेड पे, या स्काल्प पे, सिर में ले लें कि काफी जो है इरप्शंस डेवलप होते हैं, और उसके बाद जो है लाइक जॉइंट के फोल्ड्स में आप कह लें कि वहां पे भी जो कॉमन साइट है एक्जिमा डेवलप होने के लिए। पर ये बॉडी में जो है कहीं पर भी हो सकता है, और जैसे आपने कहा इसका सबसे ज्यादा जो एक्जिमा की परेशानी होती है वो है ईचिंग। पेशेंट का, बच्चों का खुजला के बुरा हाल हो जाता है, एंड बच्चे जो है कई बार वहाँ पे कट्स बना लेते हैं ईची कर करके, स्क्रैच कर करके, और फिर वहाँ इन्फेक्शन लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और जैसे आपने कहा एक्जिमा जो है दो उसकी टाइप है, एक्जिमा ड्राई भी हो सकता है और एक्जिमा जो है वो वेट भी हो सकता है। तो ड्राई एक्जिमा जो है पर्टिकुलरली उसमें ड्राई पैच स्किन पे कहीं पर भी डेवलप होता है, उसमें ईचिंग होती है। हाँ जी, एंड वेट एक्जिमा जो है तो उसमें जैसे आप कह लो कि फोल्ड में, या पर्टिकुलरली कानों के पीछे जो एक्जिमा है, या सिर पे है, तो काफी बार क्या होता है उसमें वेट एक्जिमा में फ्लूइड, चिकना फ्लूइड जो है वो निकलता है बिल्कुल, और सिर में अगर है तो उसके साथ बाल भी चिपक जाते हैं। अच्छा, सिर में भी हो जाता है? हाँ बिल्कुल, और स्कैब्स बन जाते हैं जैसे ये सारा इकट्ठा होके, तो इस तरह के अलग अलग तरह के एक्जिमा जो है वो होते हैं।
तो हमें होता है कि ये एक्जिमा डेवलप क्यों हुआ, क्यों होता तो है? पर्टिकुलरली न्यू बॉर्न बेबीज में आप देखें तो कोई एग्जैक्टली तो उसमें जो रीजन है वो रूल आउट करना इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि कई बार इसका रीजन तभी जो है अननोन माना जाता है, पता नहीं चलता कि ये क्यों डेवलप हुआ है। ये इसको क्या छूत की बीमारी भी कहते हैं क्या? ये साथ में किसी को टच करने से उससे भी हो जाता है? यूजली एक्जिमा अगर तो उसमें से फ्लूइड निकल रहा है या इस तरह कुछ इन्फेक्शन लगा हुआ है तो वो इन्फेक्शन दूसरों में स्प्रेड हो सकती है, बट एक्जिमा यूजली जो है वो दूसरों में नहीं फैलता है। हाँ जी बिल्कुल। तो और पर्टिकुलरली हमें होता है कि ये हुआ क्यों, तो जिनके फैमिलीज में एलर्जी की हिस्ट्री है, जैसे आस्मा है या सीजनल एलर्जीज है या इस तरह की एलर्जीज चल रही है, तो उनके बच्चों में ये होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, ज्यादा है। या फिर इसके कुछ हेरिडिटी होती है जी, बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली में किसी को रहा है तो वो आने वाले नस्ल में भी हो सकता है क्योंकि उनमें एलर्जीज थी कुछ ना कुछ चीज की, तो आगे जाके बच्चों में ये डेवलप हो सकता है। या फिर मैं बाद में इसमें बात करती हूँ, ट्रीटमेंट में हम लेंगे कि किस तरह जो है कि हिस्ट्री ली जाती है ऐसे में। और फिर जो है सीजनल फैक्टर भी काफी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, एक्सट्रीम ऑफ हीट, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड या चेंज ऑफ वेदर के टाइम जो है ये ट्रिगर हो जाता है और इसके रिकरेंसेस होने लगते हैं ड्यूरिंग चेंज ऑफ वेदर। या फिर कई लोगों को जो है कुछ चीज से एलर्जी है, जैसे डस्ट एलर्जी है या पेट से घर में उससे एलर्जी है या कारपेट एलर्जी है, इस तरह की एलर्जी के साथ या कुछ खाने की एलर्जी है तो उसके साथ भी एक्जिमा जो है वो डेवलप होता है। और काफी बार आपने देखा होगा कि मेटल कुछ कड़े पहने हैं या कोई मेटल के गहने पहने हुए, इयररिंग्स पहनने के बाद जो है बिल्कुल वहाँ पे डर्मेटाइटिस होके एक्जिमा डेवलप हो जाता है। तो इस तरह की एलर्जीज के साथ भी ये जो है वो हो सकता है। काफी बार डिटर्जेंट के साथ के स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली पाम में हाथों में जो है स्किन स्केली होके निकलने लगती है और वहाँ पे जो है एक्जिमा जो है वो डेवलप होने लगता है। इसका मतलब है कि हम लोगों को जो अपने डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर वगैरह को भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ही यूज करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि बड़ा लोकल सा नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो बॉडी में कपड़ों के टच से भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कह सकती क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल की जो अपनी इम्यूनिटी है उस पे डिपेंड करता है कि हर एक को ये नहीं होता है, लेकिन दोज हु आर प्रोन टू गेट इट उन लोगों को फिर जो है एक्जिमा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनसे बचा कैसे जा सकता है, क्या क्या इसका प्रिकॉशन लिया जा सकता है एक्जिमा न हो, तो हम लोग कुछ टिप्स दीजिए ताकि जो कि चांसेस थोड़े कम हो जाए, क्योंकि यदि हेरिडिटी है तब तो इससे बचा नहीं जा सकता, और दूसरा किसी सीजनल फैक्टर से भी कभी कभी हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या इसका उपाय रखें कुछ? इसमें इस तरह का कुछ नहीं है कि इससे बचा जा सके, अगर ये होना है तो होना ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं मैंने सुना जिसका एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है बट इट डेवलप्स। जी बिल्कुल, सो एक्जिमा भी इसी तरह डेवलप होता है। और जब आपको एक्जिमा है, पर्टिकुलरली ड्राई स्किन की कंप्लेन है, 80% जो एक्जिमा के केसेस हैं तो उनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में आपको स्किन पे ऑयल या वैसलीन कुछ लगाना चाहिए जिसके साथ मॉइस्चर अंदर रहे और ड्राइनेस जो है वो कम हो, जिससे कि आपकी ईचिंग वगैरह जो है वो कंट्रोल में रहे। तो ऐसे में जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की हम बात करें कि किस तरह सही होता है। बिल्कुल जी, तो ऐसे में आप देखेंगे कि जितने भी केसेस बच्चों से लेके बड़े जो क्लिनिक में आते हैं तो यूजली लाइफ में कोई ना कोई स्टेज में उन्होंने ऑइंटमेंट, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, स्टीरोइड ऑइंटमेंट्स हैं, वो अप्लाई किए होते हैं, मतलब लगाने वाला भी है, क्रीम है और साथ साथ में खाने वाली पिल्स जी है। तो ऐसे में लगाने वाली जो चीज है, स्टीरोइड्स अगर आपने पहले लगाए हैं या इस तरह है, तो होम्योपैथी में वी डोंट बिलीव इन एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप स्टीरोइड ऑइंटमेंट वगैरह कुछ लगाते हैं स्किन पे, वो यहाँ से दब गया लेकिन इट विल गो इनटू द डीपर लेवल और अंदर जाके फिर आप देखेंगे
देखे कई केसेस में कि जो पेशेंट्स बच्चों को लेके आते हैं कि इसको नेजल एलर्जीज है या कुछ खाने के बाद मिल्क इंटॉलरेंस है, टमी में दर्द हो रहा है, और जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि बचपन में इसको एक्जिमा था जो कि ऑइंटमेंट लगा लगा के बता दिया गया और उसने जाके कुछ अलग रिएक्शन पैदा कर दिया। और स्किन इज द लास्ट रूट के बॉडी में कुछ भी टॉक्सिन्स है या कुछ भी है तो स्किन के जरिए वो बाहर आएंगे। स्किन इज द लास्ट रूट एंड उसको भी अगर आप दबा देते हो तो वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल वो अंदर बॉडी पे जाएगा। उसके साथ ब्रोंकाइटिस, आस्थमा, नेजल एलर्जीज है, इस तरह की कंडीशन बच्चों में, बड़ों में, सब में आगे जाके डेवलप होती है। या तो फिर ये डेवलप नहीं हुआ तो एक्जिमा के रिकरेंसेस होंगे, कुछ टाइम सही जाएगा लेकिन बाद में ये वापिस आ जाएगा। कहने का मतलब है इसको जड़ से ही खत्म करना चाहिए, न कि सिर्फ ऊपर से दबा के इसको खत्म करना चाहिए। तो तभी तो जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यहाँ पे आपके काम आएगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है उससे वो जड़ से, उसकी रूट से सही होता है। तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों के केस में काफी बार हमें पता नहीं चलता है, ये बड़ा ये लॉन्ग टर्म ये चल जाता है यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये कई सालों तक। मैंने कई पेशेंट देखे हैं खुद अपने निगाह के सामने, मेरे मित्र, कुछ मेरे रिलेटिव जिनको पैर में एक्जिमा था तो वो मोजा नहीं पहनते थे, मुझे सॉक्स नहीं पहनते थे तो उनको क्योंकि बहुत इची होती थी और उनको सालों था और सालों से, और वो लोग ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देते थे, ऊपर कुछ क्रीम लगा लिया तो वो सोचते थे उससे ठीक हो जाए, कुछ दिन के लिए उनको लगता था हाँ रिलीफ मिल गया है लेकिन उसके बाद फिर वो बढ़ के आ जाता है। तो प्रॉपर इसका इलाज होम्योपैथिक से ही करना चाहिए एक्जिमा का, मैं भी यही कहना चाहूंगा। तो आप लोग में से किसी को भी इस तरह की कोई भी शिकायत है, कोई भी प्रॉब्लम है एक्जिमा से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, आप काव्या होम्यो केयर में मीता ओझा जी से आप या पिनाक ओझा जी से संपर्क करें। इनका फोन नंबर फिर से आपको दिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6477602779। और एड्रेस फिर से मैं आपको इनका दे देता हूँ, ये यूनिट नंबर 104 10 कॉटले बुलेवार्ड ब्रैम्पटन में है। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं मीता ओझा जी से या पिनाक ओझा जी से। हम लोग अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आगे और स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो जानेंगे मीता ओझा जी से। तो हम लोग अभी फिर से हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के। नमस्कार, एक बार आप सभी लोगों का महक रेडियो पे, महक टीवी के ऊपर सभी का स्वागत है, क्योंकि हम लोगों का महक रेडियो भी चलता है साथ में तो इसलिए मुंह पे वो ही चढ़ा हुआ है, सो क्षमा कीजिएगा। तो महक टीवी के ऊपर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त प्रमोद आनंद और मेरे साथ बैठी है मीता ओझा जी, जो कि हम लोग आज होम्योपैथिक संबंधी जो उपाय है, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारे आती हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो स्किन रिलेटेड में अभी हम लोगों ने जाना एक्जिमा के बारे में, तो एक्जिमा से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मीता ओझा जी ने आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, किस किस टाइप से ये डेवलप हो जाता है, कैसे इसकी हेरिडिटी है, और ये बहुत सभी को हो सकता है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये हो सकता है, और इसका जो जड़ से निकालने का जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथिक में ही है। तो होम्योपैथिक एक बहुत ही कारगर उपाय है जो कि वर्षों पुराना ये ट्रीटमेंट है, जो ऐसा कि हम सभी जानते हैं, और हम लोग छोटे में तो बच्चों को हमेशा ही ये कोशिश करते हैं कि होम्योपैथिक दवा दी जाए क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसा कि मीता ओझा जी ने भी आपको बताया कि यदि किसी टाइप का, यदि ऊपर से ऑइंटमेंट या कोई ऑयल या किसी भी टाइप का कुछ ऊपरी ट्रीटमेंट देते हैं वो जड़ से कभी नहीं खत्म होता। जड़ से खत्म करने के लिए इसे हमें इसके तह तक जाना पड़ता है, उसकी पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ती है, और होम्योपैथिक जैसा कि मेरा मानना है कि हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की हिस्ट्री यदि आप किसी अपने अच्छे होम्योपैथी को बताएंगे तो वो जरूरी आपको एक सही रामबाण दवा देगा जो कि आपके रोग को जड़ से निकालेगा। अच्छा मीता जी, हमें एक और बताइए, जो छपाकी या जिसको हाइप्स कहते हैं वो भी स्किन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्यों होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, तो हम सब लाइफ में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से सफर हमने किया होगा। हाइव्स यानी कि अर्टिकेरिया जिसको छपाकी कहते हैं, मींस रेड स्वॉलन बम्पी एरिया, कि जब भी स्किन पे इचिंग होती है, इचिंग से शुरू हो
के जब आप वहाँ पे स्क्रैच करते हैं, खुजलाते हैं, तो उसके साथ उस एरिया में रेड रेड कलर या जैसे मच्छर काट लेता है तो हम लोग कभी कभी खुजला देते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से जिसको हम लोग ददोरे पड़ना भी बोलते हैं, जो रिएक्शन है उसके साथ रैश बन जाती है या चपाक। बहुत कॉमन बीमारी है ये, तो सभी लोगों को जो है अक्सर ही हो जाती है, देखा होगा। ड्राइनेस के कारण भी कभी कभी हम खुजला देते हैं तो भी हो जाता है, इसके साथ भी हो जाता है। इसका क्या उपाय है? जी बिल्कुल, तो यहाँ पे जो रैश बन जाते हैं जैसे स्क्रैच करने के साथ, तो वो रैश कभी आप देखेंगे तो सर्कुलर राउंड स्पॉट में होंगे, कभी जो है उसका शेप जो है इरेगुलर होगा, और कभी जो है ऐसे खुजलाने के साथ स्ट्रिक्स लंबी बन जाएंगी जो कपल ऑफ आवर्स से लेके कपल ऑफ डेज के लिए रुकती है और उसके बाद जो है सही हो जाती है। एंड ये जो होता है उसके काफी सारे रीजंस होते हैं, जैसे हमें मेनली लगता है कि कुछ एलर्जी के साथ ये हुआ है, काफी हद तक ये सही है, बट देयर आर नॉन एलर्जिक रीजंस एज वेल। तो पहले देखते हैं कि ये होता क्यों है, इसके होने के रीजंस क्या है। तो जैसे मैंने कहा एलर्जी मोस्टली फूड एलर्जी के साथ, अगर तो आपको जैसे मिल्क से एलर्जी है, डेयरी से एलर्जी है, या फिर एग खाने से, या फिर पर्टिकुलरली जो है फिश खाने से, सी फूड के साथ एलर्जी है, या फिर खाने में जो एडिटिव्स हैं या प्रिजर्वेटिव्स हैं जैसे कि मोनो, या कोई दवा भी रिएक्ट कर जाती है, बिल्कुल कभी-कभी दवा रिएक्शन से भी हमें रैशेस हो जाते हैं, बिल्कुल। और खाने में पर्टिकुलरली जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो चाइनीज फूड में मिला होता है, तो उसके साथ भी काफी लोगों को तरह की प्रॉब्लम आ रही है, रैशेस बन रहे हैं स्किन पे। उसके बाद जो है यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, कई कॉस्मेटिक्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस तरह के हैं कि उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या बिल्कुल। फिर एनवायरमेंटल भी ये हो सकता है, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड एक्सपोजर के साथ या वेदर चेंज के टाइम जो है ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है। देखिए कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आपने कहा, तो लेडीज को भी अच्छे ब्रांड्स के यानी कि किसी अच्छी कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, लोकल प्रोडक्ट से कभी कभी रेसेस हो सकते हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप कॉस्मेटिक्स यूज ही ना करें, क्योंकि लेडीज कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करेंगी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, और प्रॉब्लम जब जनरेट होती है तो फिर आपके पास हम लोगों को आना पड़ता है। जी, तो अगेन यहाँ पे मैं कहूंगी कि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन से कॉस्मेटिक से किसका बॉडी क्या रिएक्शन देगा, राइट। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज करने के साथ या प्रेशर हुआ उस जगह पे, तो उसके साथ भी चपाकी जैसे डेवलप हो जाता है, जैसे आपने कहा कुछ दवाइयां के साथ, और फिर कुछ इन्फेक्शन भी इस तरह के हैं, पर्टिकुलरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ जो है रैशेस होना, चपाकी होना, ये एलर्जी है एक तरह की। चपाकी जो है किसी भी आपको अंडे से हो गई या किसी पर्टिकुलर डस्ट से हो गई या किसी वेदर से आपको एलर्जी हो सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाए या कोई परफ्यूम लगाया, उससे भी मैंने सुना है कि कभी कभी लोगों को छींकें आने लग जाती हैं, फिर बॉडी में भी उनके कभी इचिंग वगैरह, जैसे एलर्जी तो इसी टाइप की होती है कि किसी भी तरह से डेवलप हो जाए। बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया हाई उसके एलर्जिक रीजन है, इस तरह नॉन एलर्जिक रीजंस भी हैं, जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस के साथ कि एकदम से गुस्सा आने के साथ भी कई बार जो है हाइज डेवलप होते हैं, दिस इज नॉट अनकॉमन के हो सकता है इस तरह, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये ऑटो इम्यून भी हो सकते हैं। तो देर आर सो मेनी कॉजेस के इस तरह की चपाकी कह लो या हाइज कह लो, तो वो तो होम्योपैथिक में इसको ठीक करने में कितना टाइम लगता है यदि इसमें सही ट्रीटमेंट लिया जाए, क्योंकि एलर्जी जो है ये भी एक समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि लॉन्ग टर्म लोगों को चलती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसको यदि प्रॉपर इलाज यदि होम्योपैथिक में किया जाए तो कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में? जी, तो वैसे मैं कहूंगी यहाँ पे कि चाहे आपको एक्यूट अर्टिकेरिया है या क्रोनिक हाइज की प्रॉब्लम है, जिससे कि आप बार बार परेशान हो रहे हैं, कुछ दिन जो है आपके सही निकलते हैं उसके बाद वापस ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे में एक्यूट है या क्रोनिक है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करने के साथ ही रिकवरी शुरू हो जाती है। और सबसे पहले तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है कि पहले आपको डेली बेस पे अभी हो रहा है, ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद
बाद 3-4 दिन में एक बार हुआ या हफ्ते में एक बार हुआ, फिर बाद में जो है 15 दिन में एक बार हुआ, तो इस तरह इसकी होने की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी और कुछ ही महीनों की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इससे कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने मित्रा जी ने बताई। तो आप नंबर एक बार फिर से नोट करें इनका, और बहुत ही काम का नंबर है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई स्किन से रिलेटेड आपकी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे संपर्क करें 6477602779। और एड्रेस है इनका यूनिट नंबर 104 10 कॉटली बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। तो काव्या होम्यो केयर से आप संपर्क करें, यूनिट नंबर 105 10 कॉटली बुलेवार्ड ब्रैम्पटन, और नंबर एक बार फिर से नोट करें 6477602779। तो मीता ओझा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और यदि कोई और भी आपके आपके जहन में किसी भी टाइप की कोई टिप्स आ रही है होम्योपैथिक के कारण के से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कि किस तरह से हम इन सब चीजों से बचा जा सकता है या हम लोग किस तरह से बच सकते हैं तो आप जरूर बताएं। जी बिल्कुल, तो हाइव्स के बारे में जैसे अभी हमारी बात हुई अर्टिकेरिया या चपाकी कह ले, उसके बारे में मैं एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो जब भी रैशेस हुए हैं उस वक्त अजवाइन के कुछ दाने अगर आप खा लेते हैं, च्यू करते हैं, और उसके ऊपर एक ग्लास वार्म वाटर कोसा पानी पीना है, ऐसा करने के साथ अगर आपकी हेल्थ आपको परमिट कर रही है तो ही आप इस तरह ये फॉलो करें। और ऐसा करने के बाद जो है राइट अवे कुछ ही टाइम में हाइव्स में काफी आराम मिलता है, तो आप अगर आपकी हेल्थ परमिट कर रही है तो ये अजमा सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी कहा जाता है जैसे कि होम्योपैथिक दवाओं के साथ साथ जैसे प्याज लहसुन या ऐसी किसी चीजों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि फिर उस समय होम्योपैथिक दवा जो है असर अपना कम कर देती है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है ये बात। तो जैसे कुछ चीजें मैं बताऊं तो रो ऑनियन है, कच्चे प्याज है, कच्चा लहसुन है, या कॉफी है, या मिंट खाई है, या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ होम्योपैथिक दवाई की इफेक्ट उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है। जी बिल्कुल, तो अगर तो हो सके आप ये सारी चीजें अवॉइड करें, वो हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर कोई अवॉइड लाइक किसी को कॉफी के बिना नहीं चलता है, उनको चाहिए ही चाहिए, तो दे शुड टॉक विथ देयर होम्योपैथ, उनको बताएं। और ज्यादातर जो है आप एक घंटे का गैप छोड़ें या पानी से अच्छे से कुबली कर लेते हैं तो उसके साथ जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है उसके बाद दवाई दें। होम्योपैथिक से रिलेटेड यदि कोई दवा खा रहे हैं तो उसमें उसका बचाव करने के लिए कुछ मतलब हमें परहेज भी करना पड़ता है, कहने का मतलब ये है। वो परहेज वो आपको डॉक्टर मीता ओझा जी जरूर आपको बताएंगी। तो यदि आप इनके संपर्क में आते हैं इतनी किसी समस्या को लेकर के, वो जो भी परहेज है या क्या आपको ज्यादा खाना पीना है या ऐसी कौन सी अपने घरेलू नुस्खे भी हैं वो भी बताती है होम्योपैथिक दवा के साथ साथ, जिससे पेशेंट को काफी जल्दी आराम मिलता है। और धन्यवाद मीता जी आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आपका होस्ट दोस्त प्रमोद आनंद आपसे विदा लेना चाहूंगा। तो मीता जी फिर अगले हफ्ते फिर हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नई प्रॉब्लम्स को लेकर के और उसका सोल्यूशन जानने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि इस चीज के बारे में बात करें। हाँ, नंबर फिर से एक बार नोट कर लें 6477602779, काव्या होम्यो केयर, यूनिट नंबर 104 10 कॉटले बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। धन्यवाद।